हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज 12 सितंबर है एंड आज किम नामजून का बर्थडे है। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे नामजून, यू आर द बेस्ट लीडर एवर। आई विश कि तुम हमेशा हेल्दी रहो एंड हैप्पी रहो एंड नामजून तुम्हारी सभी विशेस पूरी हो। नामजून, वी ऑल आर्मी लव यू सो मच एंड प्राउड ऑफ यू ऑलवेज। तो दोस्तों, क्योंकि आज आरएम का बर्थडे है तो इसीलिए आरएम ने हम आर्मी के लिए एक लेटर पोस्ट करा था ठीक 12 सितंबर की रात 12 बजे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नामजून के लेटर को एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आरएम ने अपने लेटर में लिखा था कि आज मेरे 20s का लास्ट डे है। मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, शायद मेरे वर्क फील्ड की वजह से, पर मैं अपने बर्थडे वाले दिन शाय फील करता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि आज के दिन में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब भी मैं हैप्पी और ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोग मुझे अपनी सच्ची विशेस देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि प्यार एक नाम है जो हम किसी को देते हैं, जैसे पहले का किम नामजून आज का किम नामजून बना है। दोस्तों, आरएम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आर्मी का प्यार है जिसने इस छोटे से नामजून को एक मैच्योर और आज का फेमस नामजून बना दिया है। एंड दोस्तों, इसके बाद आरएम कहते हैं कि आज का दिन भी 365 डेज में से एक दिन है, पर आज का दिन इस 29 ईयर ओल्ड नामजून के लिए एक पासिंग बाय डे नहीं है, और ऐसा सिर्फ आपकी वजह से है। मैं जितना हो सकता है उतना ईमानदार पर्सन बनना चाहता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा आप आर्मी के साथ जो रिश्ता है, जो क्लोज भी है और नहीं भी, वो किस हद तक जाएगा और कहाँ तक पहुँचेगा। क्या हमारे रिलेशन को प्यार के नेम पर एक्सेप्ट करा जाएगा? अभी भी अपने दिल की बात कहना मेरे लिए एक वीकनेस जैसा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इस बात पर बहुत सैड फील करता हूँ कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, मेरे वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, और ऐसा अभी भी है। पर अब मैं पहले से और भी ज्यादा शांत बिहेवियर का हो गया हूँ, क्योंकि मुझे आप सबसे सच्चा प्यार मिलता है जो किसी को लाइफ में मिलता है और किसी को नहीं मिलता है उसकी पूरी लाइफ में। मैं जो निराशा को भी कूल मानता था, उसने अब रियलाइज किया है कि मैं एक होपफुल पर्सन भी हूँ। ये एक मिरेकल जैसा है। आजकल मैं एक फ्रेज पर जी रहा हूँ जो है व्हाई नॉट। मुझे जो होप और प्यार मिलता है उनसे जो मेरे आसपास है, मैं इसी में जीना चाहता हूँ। और ये सोचकर मैं अपने सॉन्ग पर वर्क कर रहा हूँ जो किसी दिन रिलीज भी हो जाएंगे। मैं अपनी हॉनेस्टी को म्यूजिक के अलावा और किसी तरह से शो नहीं कर सकता हूँ, और ये सच बात है जो हर कोई जानता है, पर मुझे ऐसा फील होता है जैसे ये अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और शायद इसीलिए मैं BTS में हूँ। दोस्तों, आरएम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आरएम अपने म्यूजिक से अपनी हॉनेस्टी और सिंसेरिटी को शो करते हैं, और इसीलिए आरएम BTS के मेंबर हैं। एंड दोस्तों, आगे आरएम कहते हैं कि मैं डांस, सिंगिंग, इंटरव्यू सब में अच्छा करना चाहता हूँ, और अगर ऐसा हो सकता है तो मेरी लाइफ कितनी ब्लेस्ड होगी। जब कोइंसिडेंस ओवरलैप करते हैं तो उसे डेस्टिनी मानते हैं। ये भी कहा जाता है कि कोइंसिडेंस हमारी किस्मत है जो कोइंसिडेंस के रूप में छुपी होती है। ऐसा लग रहा है कि मैं आपको हमेशा एक ही तरह का लेटर देता हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस वर्जन में हूँ, मैं अपनी फीलिंग से आपके लिए ये लेटर सितंबर 2023 में लिख रहा हूँ। मेरे बर्थडे लेटर अलग अलग लव लैंग्वेज को शो करते हैं कि मैं इस टाइम कहाँ तक पहुँच गया हूँ। आप सबकी वजह से मैं अच्छे से जी रहा हूँ, और मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने लेटेस्ट वर्जन में भी आपको प्यार करता हूँ। मैं हर किसी आर्मी को हग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप ये जानते हो कि मैं आपके लिए इससे ज्यादा फील करता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे हर रूप को प्यार और सपोर्ट दो, लेकिन मैं अपनी तरफ से और एफर्ट दिखाना चाहता हूँ ताकि जितना प्यार मुझे मिलता है उतना मैं आपको वापस दे सकूं। मेरा लास्ट 20s का बर्थडे स्मूथली अच्छे से बीत रहा है। फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस आसमान के नीचे हो, आप हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहो लंबे समय तक। मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगा, जिसका बर्थडे आने वाला है और जिसका बर्थडे जा चुका है, सभी को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू नामजून। दोस्तों, नामजून के लेटर एक पोएम की तरह होते हैं, एंड उन्हें एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एंड मुझे पता है कि जिस फीलिंग के साथ आरएम ने इस लेटर को लिखा होगा, उस फीलिंग को मैं अपने ट्रांसलेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, बट फिर भी मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है इस लेटर को एक्सप्लेन करने की। सो आई होप कि आप इसे समझ सकते हो। सो वंस अगेन नामजून हैप्पी बर्थडे। आप सभी नामजून के लिए अपने विशेस को कमेंट में जरूर लिखिएगा,
एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।